Hello everyone, myself Tushar Rana and I am from IIT Sri City and currently I am an undergraduate student doing BTech from second year. Okay, so आज हम अपना that is chemistry का chapter number 1 पढ़ने जा रहे हैं, that is solid state. ये हमारा class 12th का सबसे first chapter होता है, तो आज हम इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, और मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन थोड़ा और जल्दी सॉल्व कर पाए और आप उतना एफर्ट ना लगाए, बस स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर पाए. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल राइट द हेडिंग, दैट इज द ओके, लेट मी चेक द ड्रॉअर फर्स्ट. ओके, नाइस. यूनिट 1, सो दिस इज आवर सॉलिड स्टेट. ये हमारा बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर होता है. आप सभी को पता है कि हमारा जो केमिस्ट्री है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है जब से हम 11th एंड 12th जब से पढ़ने चालू करते हैं. ओके, फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज में. तो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 पार्ट होते हैं. उसमें से आपको बहुत से बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री जो कि है वो बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने मिलते हैं और एज अ साइंस एंड मैथ स्टूडेंट आप सब न्यूमेरिकल्स ही चाहते हैं. ओके, चलिए विदाउट वेरी वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट्स सॉलिड स्टेट. सो इसमें भी हर बार की जैसे हम एग्जाम्पल जो हमारी एग्जाम्पलर सीरीज है हमने क्वेश्चन सॉल्व करे तो उसमें हम मेनली 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, तो उसी पीस में हम स्टार्ट करेंगे. तो दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज एमसीक्यू टाइप 1. ओके, तो आपको पता होगा कि सबसे पहला होता है एमसीक्यू टाइप 1 जिसमें आपका सिंगल करेक्ट आंसर रहता है. चलिए एमसीक्यू टाइप 1 बेसिक थिंग है, मैं आपको बता देता फिर भी क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि अगले वाले एमसीक्यू टाइप में आपने 2 क्वेश्चन क्यों सॉल्व करे. ओके, यानी 2 आंसर कैसे आए आपके, तो उसमें जैसे कि आपने पढ़ा होगा दैट इज इन एडवांस जेई एडवांस, उसमें आप एक से ज्यादा आंसर भी रहते हैं, दैट इज मल्टीपल चॉइस आंसर्स. ओके, चलिए सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट. ओके, तो ये बोल रहा है कि इनमें से किस कंडीशन में हमारा जो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ओके, तो कुछ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रहती है, कुछ फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट रहता है उस सब्सटेंस में जिसकी वजह से वो अपने सॉलिड स्टेट को यानी कि वो सॉलिड स्टेट में एक्वायर करता है. क्योंकि आपको पता है कि जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको पता है कि 3 स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. तो वो बोल रहा है कि अगर सॉलिड स्टेट है तो उनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो उसको सॉलिड स्टेट में फेवर कर रही है. तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी एंड वीक कोहेसिव फोर्सेस. ओके, चलिए बात करते हैं. तो ओके, जस्ट वेट अ मिनट, मेरा कुछ ड्रॉअर नहीं चल रहा, जस्ट वेट अ मिनट. ओके, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर आपका कोई सॉलिड स्टेट है वो एकदम अपनी सॉलिड स्टेट स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कौन सी कंडीशन फेवर कर रहा है. तो चलिए देखते हैं. तो कुछ गैसेस, तो देखिए यहाँ पे आपके पास दिया हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर. देखिए अगर हाई टेम्परेचर रहा तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा क्या कहते वो हो जाएगा, क्या कहते हैं कि आपको मैंने जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर था उसमें आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाली फोर्स क्या होती है अपनी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. वहीं पर अगर हम थर्मल एजिटेशन लगा दें तो वहीं पे आपके मॉलिक्यूल्स दूर दूर सेपरेट होने लगेंगे और आपको पता है कि जो सॉलिड स्टेट होती है वो उसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं. तो इससे तो आपको ये पता चल गया कि हाई टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता, हाई थर्मल एनर्जी भी नहीं हो सकती. ओके, तो देखिए मैं आपको बता दूं अगर ये सॉलिड स्टेट है तो इसके मॉलिक्यूल्स एकदम बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं. ओके, बहुत ज्यादा, बहुत यानी कि एक्सट्रीमली क्लोज पैक्ड, वेरी क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स. ओके, और ये बात किस चीज की चल रही है हमारी, दैट इज द सॉलिड स्टेट. तो अगर सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल हमारे क्लोजली पैक्ड है तो इसका मतलब कि वो हमारे सॉलिड वो उसकी इनिशियल स्टेट है. लेकिन अगर आप इसमें टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दे और थर्मल एनर्जी दे दे थोड़ी सी थर्मल एनर्जी, ओके, तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स स्टार्ट गेटिंग लूज. ओके, तो अगर आपके मॉलिक्यूल्स लूज हो गए तो वो आपकी सॉलिड स्टेट को छोटे लिक्विड या गैसियस स्टेट की तरफ जाने को जाएंगे. ओके, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसकी फेवरेबल कंडीशन होती है दैट इज फर्स्ट वन, सॉरी सेकंड वन, लो टेम्परेचर. ओके, तो लो टेम्परेचर कंडीशन पे आपका सॉलिड स्टेट वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना.
So I think this is the reason for that one. चलिए let's move on to question number two. तो question number two क्या बोल रहा है? Which of the following is not a characteristic of a crystalline solid? Okay. तो solids बहुत से type के होते हैं. Okay. Solids जो हो गया हमारे उसमें types होते हैं जिसमें से एक type होता है crystalline solid. So I think you are aware of this thing. आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप इनसेट एग्जाम्पल क्वेश्चन में आए हो अपना बेस्ट देने के लिए. ओके तो आपको सॉलिड स्टेट में आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा होगा. तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है तो उससे पहले हम ऑप्शन के ऊपर ध्यान देंगे क्योंकि जब भी आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन होना तो आप ट्राई करिए कि आप ऑप्शन से ही आंसर निकाल पाए. तो देखिए इसमें बोला नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो ध्यान देना है. ओके तो यहाँ पहला लिखा है डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन. तो यहाँ हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात हुई है. फिर आइसोट्रॉपिक नेचर अ रेगुलर पीरियोडिकल रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द एंटायर क्रिस्टल. तो वो बोल रहा है कि आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल्स से जिस पार्टिकल से वो बना हुआ है उसमें वो पार्टिकल्स एकदम रिपीटेडली एकदम यानी कि वेल डिफाइंड मैनर में अरेंज है. ओके और फोर्थ थिंग इज दैट इट इज अ ट्रू सॉलिड. ओके चलिए देखते हैं. तो देखिए पहली बात क्या दी हुई दैट इज डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक ये मैंने लिखा हीट ऑफ फ्यूजन. ओके तो ये चीज होती है अपनी क्रिस्टलाइन सॉलिड में. ये मैं लिखा रहा हूँ प्रॉपर्टीज जो नहीं होगी हम उसको ऑड आउट कर लेंगे. ठीक है सेकंड थिंग क्या होती है आइसोट्रॉपिक इन नेचर. तो देखिए आइसोट्रॉपिक जो होता है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड वो एग्जिबिट नहीं करता फर्स्ट थिंग क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना वो हमारा एक टाइप का एनिसोट्रॉपिक होता है. ओके सो क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नॉट आइसोट्रॉपिक इन नेचर Okay, the thing is that this is a instead it is an anisotropic. So anisotropic क्या होता है मैं चलिए बताता हूँ आपको anisotropic. तो इसमें इसकी anisotropic की properties कैसी होती है दिखाई मैं आपको बताता हूँ. Properties like इसका refractive index होता है इसमें electrical resistance होता है. Okay, like क्या बोला मैंने that is refractive इंडेक्स. तो जैसे आप डायमंड वायमंड का मॉलिक्यूल देखते थे उसमें आपको बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखेगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूल एकदम क्रिस्टलाइन वो एक टाइप क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल है. ओके सो एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आल्सो रेजिस्टेंस आपने कहा देखा कि डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. ओके तो इस टाइप से हमारा दैट इज द सेकंड वन. और ये बात तो मैं बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स एकदम वेल डिफाइंड मैनर में अरेंज होते हैं और इट इज अ ट्रू सॉलिड ये तो बात ट्रू ही है. तो ओके तो ये दोस्त तो बहुत ही इजी थे. ठीक है फर्स्ट वन के बारे में हमें चेक करना था वो आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा. चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री. तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड. क्या बोला है यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड. तो मैं आपको बताया होगा कि देखिए आप सॉलिड स्टेट जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको थ्योरी पार्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें सॉलिड स्टेट में आपको बेसिकली थ्योरी के ऊपर ही बहुत से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं. ओके तो देखिए इसमें आपको पहले पता रहना चाहिए कितने टाइप के सॉलिड होते हैं फिर आपको सॉलिड स्टेट की ज्योमेट्री के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. ओके फिर लेटर जब आप थोड़ा और डीप में जाते हैं तो आपको एससीसी बीसीसी ये सारी चीजें उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है हेक्सागोनल ये सारी चीजें पे ध्यान देना पड़ेगा. ओके तो चलिए अभी बात करते हैं हमारे पास चार एग्जांपल दिए हैं दैट इज ग्रेफाइट क्वार्ट्ज क्रोम एलॉय एंड सिलिकॉन कार्बाइड. इनके फॉर्मूले भी दिए हुए करस्पॉन्डिंग हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अमॉर्फस सॉलिड है. तो चलिए बात करते हैं. तो देखिए अगर हम पहली बात कर ले दैट इज ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट हमारा एक टाइप का अमॉर्फस सॉलिड नहीं होता. ओके क्योंकि ये हमारा जस्ट कार्बन का एक आइसोटोप है. ओके अब बात करते हैं सेकंड वन क्या दिया हमारे पास That is a quartz, basically SiO2 जिसे हम glass के नाम से जानते हैं. Okay, तो ये एक type का होता है amorphous solid होता है. Okay, so this is an amorphous solid. Okay, क्यों? क्योंकि इनमें पता है कि यानी कि बहुत ज्यादा range में ordered arrangement नहीं होता. Okay, क्योंकि अगर मान लीजिए आप SiO2 के बारे में बात कर ले. Okay. तो SiO2 के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज रहता है मान लीजिए ऐसे 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 SiO2 के मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं. फिर अगर आप देख लेंगे कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज होकर बहुत सारा ऑर्डर अरेंजमेंट बनाते हैं बट उनका रेंज उतना लंबा नहीं होता. ओके सो बिकॉज देयर
is no long range ordered array, okay? और जो और अरेंजमेंट किसका हो, वो कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल्स का, ओके? सो इसलिए वो एक टाइप का अमोर्फस सॉलिड होता है, यही उसकी डेफिनेशन भी होती है. सो दिस इज दैट वन. चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे. क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शो द सिस्टमेटिक अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? तो चलिए पहले लिख लेते हैं, वॉट इज द क्वेश्चन दैट आस्किंग. एंटी फेरो मैग्नेटिक, ओके? तो मैग्नेटिज्म में ये सब आपने पढ़ा होगा, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ओके? ये सारी चीजें एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में हमें बात करनी होगी. चलिए देखते हैं. तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं और उनके मैग्नेटिक मूवमेंट का अलाइनमेंट दिया हुआ है. तो हमें बताना है कि कौन सा अलाइनमेंट उसको बेस्ट जस्टिफाई कर रहा है, ओके? तो देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, पता है क्या? जो डोमेन्स होते हैं, ओके, वो अपोजिटली और ओरिएंटेड होते हैं, ओके? तो हमें देखना है कि उस यानी कि हमें देखना है अलाइनमेंट मेंट हुज आर वो अलाइनमेंट वेयर दैट टाइप ऑफ मोमेंट आर अपोजिटली अलाइंड, ओके? तो अपोजिट अलाइनमेंट वाले हमें देखना है, ओके? तो चलिए देखते हैं. तो अगर हम फर्स्ट वन को देखें तो देखिए सेम अलाइनमेंट है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया. फिर ये देखें, ओके, तो ये ब्लू ब्लू हो गया, तो चलिए मैं इसको चेंज कर देता ताकि आपकी विजिबिलिटी क्लियर हो. और आई थिंक ग्रीन इज मोर विजिबल. तो देखिए अगर ये नीचे ये नीचे ये भी तो सेम ही हो क्या? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इसमें दो ऊपर दो नीचे, दो ऊपर दो नीचे, नहीं हमें अपोजिटली चाहिए. तो देखिए एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे, ओके? तो दिस वन इज राइट. सो अगर आपको जब भी एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात करनी है तो आपको वहां पे देखना हो पड़ेगा कि जो डोमेन से आपके वो अपोजिटली ओरिएंटेड हो, ओके? ताकि हमारा ऐसा क्यों होता है पता है क्या? बिकॉज दिस हेल्प्स इन कैंसलिंग आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मूवमेंट, ओके? तभी तो आपका एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आएगा, ईच अदर्स मैग्नेटिक मूवमेंट. तो आपको एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तभी आप एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर पाएंगे. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ. ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास, ओके? तो जो हमारा क्वार्ट्ज ग्लास हो गया, जो हमने अभी बात करी थी, क्वार्ट्ज ग्लास दैट इज अपना SiO2, ओके? तो इसमें हमें बताना है कि क्या बताना है, ओके, पॉलीमेट्रोवर्ड वैल्यू, ओके, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू के बारे में बताना है, ओके? तो देखिए जो भी ग्लासेस होते हैं, जिस कार्बन हो गया, सॉरी कार्बन कह रहा हूँ, कार्बन के कुछ आइसोटोप्स होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, उसका अपना एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है. वैसे ही अपना क्वार्ट्ज जो ग्लास हो गया उसका भी एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है. चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा है सेम इन ऑल डायरेक्शन. देखिए क्वार्ट्ज हो गया ग्लास हो गया, तो उसमें आप जब भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेक करेंगे तो उसमें हमेशा डायरेक्शन सेम मिलेगी आपको. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके? अब ये सिंगल करेक्ट आंसर है, तो इसमें आपको ज्यादा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं. अब जैसे पहले सही हुआ तो दूसरा ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा. फिर कैन नॉट बी मेजर्ड, ये किसी बात हुई, हमने अभी तो बताया ऑलवेज बी जीरो, नहीं ये सब गलत है, ओके? सो इट इज, और ये क्यों होता है, ये हमने अभी भी देखा, दैट इट इज एन अमॉर्फस सॉलिड, ओके? तो अगर अमॉर्फस सॉलिड है तो उसमें आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज भी होगी, ओके? और उसी की वजह से सारे उसके सारे डायरेक्शन में सेम वैल्यू ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा जब भी हम मेजर करना चाहेंगे, ओके? एज इट इज एन अमॉर्फस सॉलिड एंड शोज आइसोट्रॉपिक नेचर, ओके? तो आपको पता होगा व्हाट इज आइसोट्रॉपिक, ये सब बार इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, इट इज जस्ट सिली थिंग्स, ओके? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अमॉर्फस सॉलिड, ओके? तो अब हमें बताना है कि अमॉर्फस सॉलिड के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है, ओके? तो देखते अगर हम बात करें, अभी हमने अमॉर्फस सॉलिड के ऊपर बहुत से क्वेश्चन कर लिए, 2-3 क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ओके? चलिए तो पहला बोल रहा है ऑन हीटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर, ओके? तो बोल रहा है कि जब हम अमॉर्फस सॉलिड को हीट करेंगे
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है किसी सर्टेन टेम्परेचर पे, ओके। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। जब भी हम किसी एमोफस सॉलिड को बहुत ज्यादा हीट करते हैं और एक जब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर या कह सकते हैं किसी का उसका मान लीजिए कि बाउंड्री टेम्परेचर आ जाता है जहां पे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जैसे बिहेव करने लगता है। चलिए सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ओके ट्रू। क्योंकि अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप हीट कर रहे पर आप एकदम एग्जैक्ट कम टाइम पे ही मिल जाए, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है आपको जब भी आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज कर रहे थे, ओके। सो दिस इज द थिंग। थर्ड वन, अमॉर्फस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, ट्रू। नाउ फोर्थ ऑप्शन, दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, नो नो नो, अभी हमने जस्ट बात करी दैट इज अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ओके। सो ये पॉइंट हमारा इस प्रॉपर्टी को जस्ट मैंने बता रहा है कि ये जो फोर्थ ऑप्शन दैट इज रॉन्ग, दे आर एनिसोट्रॉपिक, ओके। क्यों? क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेम वैल्यू ऑफ जितने भी आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है अभी हमने देखी, ओके, ये आइसोट्रॉपिक के कारण ही आता है। सो दैट्स द थिंग, सो दिस वन इज रॉन्ग, ओके। आई थिंक ग्रीन वन इज नॉट गुड, रेड इज ऑनली गुड, ओके। Let's move on question number 7. तो question number 7 क्या कह रहा है? The sharp melting point of crystalline solid is due to, okay, तो जो हमारा crystalline solid होता है उनका melting point बहुत ही ज्यादा sharp होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा fix होता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला option दिया हुआ है, a regular arrangement of constant particles observed over a short distance in a crystalline lattice. तो देखिए ये हो गया, ये एक reason हो सकता है। सेकेंड वन इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टलाइन लैटिस, ओके। तो देखिए पहली बार में बात कर रहा हूँ कि आपका जब क्रिस्टलाइन लैटिस बनाते हैं आप, जैसे मान लीजिए कुछ क्रिस्टलाइन लैटिस है ये, ओके, तो सॉरी हाँ आपका मान लीजिए ये कुछ क्रिस्टलाइन लैटिस है, ओके, तो इसमें कुछ शॉर्ट रेंज तक के ही आपको बहुत ही ज्यादा अरेंजमेंट दिखता है रेगुलर, बट द थिंग इज दैट जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना उसमें जितने भी दूर तक के जाओ एट अ लॉन्ग रेंज आपको हमेशा रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स दिखेगा, जिसकी वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा शार्प आता है, ओके, क्योंकि आपको सारे जितने भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है उनके अरेंजमेंट को तोड़ना होगा, ओके। सो उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा फिक्स अमाउंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, ओके, तो दैट्स द थिंग। उसमें कुछ इरेगुलर नहीं होता जिसके कारण आपको बहुत ही रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है और आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एकदम शार्प आता है, ओके। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। एंड थर्ड ऑप्शन इज सेम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, no, a different arrangement of constant, no, no, this one is, fourth one is the, is definitely wrong, okay, so this is the thing. Now, let's move on to question number 8. So, question number 8 kya bol raha hai, iodine molecules are held in the crystal lattice by, okay, to jo hamara iodine molecules hote hai, okay, wo crystal lattice mein kis tarik, kis forces ke wajah se, held, yani ki, wahi pe exist karte hai. तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज लंडन फोर्सेस, ओके, तो आयोडीन मॉलिक्यूल्स उनके लैटाइस में, आयोडीन मॉलिक्यूल्स के लैटाइस में लंडन फोर्सेस होता है। सेकंड थिंग इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, थर्ड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, फोर्थ वन इज कूलम्बिक फोर्सेस। चलिए देखते हैं। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है दैट इज लंडन फोर्सेस, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज लंडन फोर्सेस। चलिए मैं आपको रीजन भी बताता हूँ। तो देखिए जो लंडन फोर्सेस होते हैं ना वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स में इसलिए होते हैं क्योंकि पता है क्या, जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इट इज आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर फर्स्ट थिंग एंड दे आर आल्सो कोवेलेंट इन नेचर। तो देखिए जब ये मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे तो वो एक टाइप से इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल एंड उनका जैसे कि नॉन पोलर है तो उनका डायपोल मूवमेंट भी नहीं होता, ओके। सो ये जो क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म होता है ना आयोडीन मॉलिक्यूल्स का, ओके, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है बाय वीक लंडन फोर्सेस, ओके, तो यही उसका रीजन है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड, ओके। देखिए आप जब थ्योरी पढ़ेंगे ना तो कुछ छोटी छोटी टर्म आपको मिलेगी एनसीईआरटी में, ओके, जिनका एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा और आप गलती से इन्हें छोड़ देते हैं, बट द थिंग इज दैट जब भी आपको ऐसे कुछ टर्म्स मिले जिससे आपको थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप या कुछ रीजनिंग मिले, ओके, तो आप उसे एक शॉर्ट नोट टाइप की कॉपी बना लीजिए डायरी जैसे,
उसमें आप लिखते जाइए ताकि आपको याद रहे कि ये कुछ पॉइंट था इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये थी, इससे रिलेटेड आपको एनसीक्यू बहुत से मिल सकते थे, है ना। तो इस टाइप से देखिए, तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। तो फर्स्ट थिंग इज SO2, I2, डायमंड एंड H2। तो देखिए, अगर आपको नेटवर्क सॉलिड के बारे में बात कर दी जाए तो डायमंड से अच्छा एग्जाम्पल कभी नहीं हो सकता। ओके, जब भी आप नेटवर्क सॉलिड के बारे में बात करें तो आपका आंसर डायमंड तो ऑब्वियसली वहां पे आएगा ही। ओके, ग्रेफाइट भी एक टाइप का नेटवर्क सॉलिड है, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट, बिकॉज उसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ओके, कुछ प्लेट्स रहती है, उसके बीच में मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसके अरेंज्ड। ओके, हेक्सागोनल प्लेनर ऐसा कुछ मॉलिक्यूल रहता है उसका। ओके, तो डायमंड इज अ करेक्ट, कहना चाहिए इट इज डेफिनेटली अ नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर। बिकॉज वाई, जो इसके कार्बन एटम्स होते हैं ना, आप सभी को पता है डायमंड किस बना है, दैट इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है पता है, जो कार्बन एटम्स होते हैं ना आर हेल्ड टुगेदर, ओके, और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो ये जो डायमंड होता है ना हमारा, वो एक टाइप का एक जॉइंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है। ओके, मैं ऐसा सिंपल डायमंड का स्ट्रक्चर बना रहा। ओके, तो ये कुछ ड्रॉइंग्स ऐसे कुछ कुछ कर लीजिए आप। सो लाइक दैट ऐसे कुछ कुछ होता है, आप बना लीजिए। ओके, सो इस टाइप से इसका नेटवर्क बहुत ही टाइप का सॉलिड नेटवर्क। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ओके, तो अब बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं। फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम सॉलिड, सेकंड वन इज TiO, ओके, थर्ड वन इज I2 दैट इज आयोडीन, एंड फोर्थ वन इज दैट इज वाटर बट इट इज इन सॉलिड। ओके, सो चलिए देखते हैं, मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं। तो देखते, तो देखिए जो हमारा ए ऑप्शन है दैट इज मैग्नीशियम, ये तो एक टाइप का अपना वो हो गया अपना, दैट इज फर्स्ट वन मैटर, एंड इट इज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल कह सकते हैं। ओके, इट इज कंडक्टर, तो फर्स्ट वन तो हमारा नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। जहां जहां ए आ रहा है वो ऑप्शन तो पहले ही कट कर। अब बात करते हैं दैट इज बी, दैट इज TiO। तो देखिए ये जो ऑक्साइड होता है ना, इट इज ऑल्सो एन कंडक्टर, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज ऑल्सो क्वेश्चन एंड बी, सो ऑप्शन रिमेन्स इज दैट इज सी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया। तो देखिए थर्ड वन दैट इज I2 सॉलिड एंड H2 सॉलिड। तो देखिए मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो आयोडीन होता है वो हमारा नॉन पोलर होता है। ओके, और इसी के वजह से, ओके, इसी की वजह से इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। ओके, वहीं पे हम बात कर ले अगर अपने दैट इज H2O हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि आप खुद ही मान लीजिए ना, अगर आप आइस हैं, आइस से आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा पाएंगे। ओके, बट इन केस ऑफ वाटर दैट इज ए लिक्विड स्टेट, यू कैन डू समथिंग लाइक दैट। ओके, बट सॉलिड स्टेट वी कैन नॉट पास। वहीं पर हम बात कर ले मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम मैंने आपको पहले बताया किस दिन बैठा, और वो एज अ कंडक्टर यूज भी होता है। फिर बात कर लेते हैं हम TiO, तो ये जो TiO होता है ना, आप सब सोच रहे हैं सर आपने TiO क्यों बताया, क्यों TiO को आपने कंडक्टर कैसे लिया? तो चलिए इसके पीछे का भी रीजन है। जो कंडक्टर TiO होता है ना, ये एक टाइप का एक आयोनिक सॉलिड होता है, आयोनिक सॉलिड। तो देखिए ये टर्म है इसके पीछे की आयोनिक सॉलिड, तो ये जो होता है ना, इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट एक्ट्स एज अ कंडक्टर इन अ मॉडर्न स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज द ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। चलिए बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। सो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। चलिए अभी हमने बता दिया आयोनिक सॉलिड क्या होता है, अब उसकी डेफिनेशन पूछ लिया उसने। अगर यही क्वेश्चन हमें पहले दे दिया रहता तो हम वाला क्वेश्चन और इजीली सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो देखिए वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन दैट इज मॉडर्न स्टेट, बट ये बात गलत है। हमने अभी देखा कि जो हमारा आयनिक सॉलिड था, इट हैज अ हाई इलेक्ट्रिकिटी कंडक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग एंड इट इज आर ओनली ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन नंबर 11। ब्रिटल इन नेचर ट्रू, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन ट्रू, एनिस्ट्रोपिक इन नेचर दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके,
सो दिस इज आर तफोम. अगर इसके पीछे का आपको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म बताऊं मैं आपको, तो देखिए बिकॉज क्योंकि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ना, उनके आयन्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते ओके okay? तो जब भी आप उसमें यानी कि थोड़ा सा भी कंडक्टिविटी सॉरी यानी कि जब भी आप उसको मॉडर्न स्टेट में डालते हैं, तो उसके बीच का जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है वो टूटने लगता है और वहां पे आपके आयन्स मॉलिक्यूल्स मूवमेंट दिखाने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है. तो यहाँ पे तो लिखा है वेरी लो बट इट इज नॉट रॉन्ग, देयर इज अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व्हेन द आयनिक कंपाउंड आर इन मॉडर्न स्टेट. ओके सो इंस्टेड द आयनिक सॉलिड हैव अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट. ठीक है ना, तो इस टाइप का कुछ. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओके. तो चलिए बात करते हैं. Graphite is a good conductor of electricity due to the presence of first one is lone pair of electrons, second one is free valence electrons, cations and anions. तो चलिए देखते हैं, ये बहुत easy question है, ये तो मैं as a practice आप ही को दे सकता हूँ, आप तो just 2 minutes में आप इसका आंसर बता सकते हैं. ओके चलिए, फिर भी मुझे तो आंसर बताना ही है तो मैं बताता हूँ. तो देखिए जो graphite होता है सभी को पता है, it is a very good conductor of electricity. आपने देखा होगा जो आपकी pencil होती है, जब अगर आप pencil को दोनों side से आप जब sharpen कर लेंगे ओके, तब आप उसमें ट्राई करिएगा कभी यानी कि वायर्स लगा के, तो देखिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ओके. बट जस्ट ट्राई इट विथ अ लो पावर बैटरी, दैट इज अ 9 वॉट बैटरी काउंट्स ओके. सो आप ऐसा मत कर लीजिएगा कि कोई एकदम लाइव वायर निकाल दिया आपने और उसमें पेंसिल लगा दिया, तो फिर वहां आपके साथ कुछ गलत हो सकता है ओके. सो जस्ट बी टेक प्रिकॉशंस. सो द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज द फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ग्रेफाइट होता है. ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल्स में होते हैं फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओके. और एज अ कार्बन आइसोटोप तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो बात ही मत करिए, वहां बहुत सारे फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको. वहीं पे अगर आप दैट इज आर डायमंड के बारे में बात कर लें, तो उसके जो मॉलिक्यूल जो होता है वो एज ए नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जो बहुत ही ज्यादा एकदम वेल अलाइंड मैनर में कॉम्पैक्ट रहते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे आपको उतना फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं दिख पाए ओके. तो इस वजह से वो आपका इंसुलेटर भी होता है. तो चलिए दोनों रीजन बता दिया मैंने आपको, डायमंड और ग्रेफाइट का, कि वो इंसुलेटर और कंडक्टर किस प्रकार से होते ओके. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स बिहेव एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर ओके. तो ये बोल रहा है कि टेम्परेचर की डिपेंडेंस पे ही हमारा कंडक्टेंस एंड इंसुलेटर प्रॉपर्टी बताता है. इस ये जो चार हमारे पास सबसे ओके okay? तो दैट इज TiO, SiO2, TiO3 एंड MgO. तो देखिए मुझे कुछ ऑप्शन तो मुझे पता है ओके okay? ठीक है ना. तो देखिए मैं आपको बताता, जैसे आप बात कर ली TiO3 की ओके okay? TiO3 ओके okay. जो TiO3 होता है ना वो अपने दूसरे ऑक्साइड्स हो गए, जैसे मान लीजिए VO3 हो गया, PO2 हो गया ओके okay? ये जो पैनेडियम हो गया ओके okay? ये टाइटेनियम है बेसिकली, तो ये एक टाइप का मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है ओके okay? जब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं वैसे वैसे आप इसकी मेटेलिक कंडक्टिविटी आप इंक्रीज होते रहती है, और जैसे जैसे घटता है तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करने लगती है. बाकी हम ये बात कर ले, दिस इज एन आयनिक सॉलिड, SiO2 इज अ ग्लास, MgO इज अ दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड ओके, ये सारी चीजें तो एकदम फिक्स ही रहती है. बट थिंग इज दैट TiO3 तो TiO3 इज अ कहना चाहिए कि ये मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है ओके शोस मेटेलिक प्रॉपर्टीज ओके, और इसी के कारण वहां पे हमें अपना दैट इज इंसुलेटिंग और कंडक्टेंस दिखने लगता है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. सो आर ऑप्शन विल बी थर्ड. सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रहा है हमें ओके. क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स ओके. चलिए फिर से वही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताना है लाइक मेटल्स, तो ये कुछ ऑक्साइड्स के नेम दिए हुए हैं, चलिए लिख लेते हैं. तो देखिए पहला दिया हमारे पास दैट इज SiO2,
Second one is MgO. Third one is SO2 solid. And fourth one is CrO2. Okay. तो क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है हमारा बेसिकली यही होता है जो शो करता है, इट शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिमिलर टू. तो ये सारे रीजंस आपको पता होंगे कि इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उनमें कुछ लोन पेयर इफेक्ट और वगैरह वगैरह सारी चीजें आती है जिसके कारण आपके मूवमेंट ऑफ आयंस वहां पे ज्यादा हो पाते हैं. ओके, जिसके कारण आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी शो होती है यहाँ पे. ठीक है ना. चलिए भाई हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 15 की. तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द लैटाइस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय. ओके, तो एक प्योर क्रिस्टल में लैटाइस साइट ऑक्यूपाई नहीं की जाती. ओके, तो किस वजह से. फर्स्ट वन इज दैट इज मॉलिक्यूल आयन इलेक्ट्रॉन एंड एटम. ओके, तो चार ऑप्शन. चलिए देखते. तो देखिए अगर आपको लैटाइस साइट में प्योर क्रिस्टल में अगर आप कुछ ऑक्यूपाई करना तो वहां द फर्स्ट थिंग इज दैट इलेक्ट्रॉन. ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना तो लैटाइस साइट्स में वो कभी ऑक्यूपाई नहीं कर पाते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब भी वहां कभी इम्परफेक्शन आएगा सॉलिड में. ओके, तो वहां पे आप इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता उसका स्पेस बिकॉज द राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ये क्यों आया मैं बताता हूँ. देखिए जैसे कि जो लैटाइस साइट्स होती है. ओके, लैटाइस साइट्स कैन ओनली बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट थिंग. और ये कब होता है पता है क्या. ओनली व्हेन देयर इज इम्परफेक्शन. ओके, जब भी आपके लैटाइस साइट में इम्परफेक्शन आ जाए जो कि सॉलिड है परफेक्शन इन सॉलिड तो वहां पे आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपकी लैटाइस साइट्स ऑक्यूपाई कर लेगा. बट इफ वी सी इन क्रिस्टल. ओके, अगर आप यहाँ पे बात क्या हो रही है प्योर क्रिस्टल के बात में हो रही है तो क्रिस्टल में इट डज नॉट हैपन. ओके, तो अगर आप बात कर लीजिए कोई भी यानी कि सॉलिड के बारे में तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा. बट इन केस ऑफ क्रिस्टल दिस थिंग कैन नॉट हैपन. ओके, वहां पे आप आयन के बारे में बात कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में बात कर सकते हैं, एटम के बारे में बात करें, बट द इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि वहां पे आपने देखा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं वहां पे. तो चलिए, और मैंने आपको ये बताया भी था एज अ रेफरेंस ऑफ डायमंड. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है. ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कंडक्टिंग सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड. तो देखिए फर्स्ट थिंग इज दैट कंडक्टिंग सॉलिड, नो इट इज अ कंडक्टिंग सॉलिड फर्स्ट थिंग. ये तो हम सभी को पता है ग्रेफाइट एज अ कंडक्टर यूज भी कर सकते हैं. ग्रेफाइट इज अ नेटवर्क सॉलिड, ये भी बात सही है. थर्ड वन इज कोवेलेंट सॉलिड, ऑल द मॉलिक्यूल्स इन दैट ग्रेफाइट एलिमेंट इज कोवेलेंट एंड आयनिक. हाँ, ये इसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं क्योंकि ग्रेफाइट तो हम आयनिक सॉलिड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ग्रेफाइट के जो एटम्स होते ना वो एक दूसरे से लिंक होते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, तो वहां पे आपको आयनिक बॉन्ड के और आयनिक की प्रॉपर्टी वहां पे आपको मिलेगी नहीं. ओके, तो इस वजह से आपका जो ग्रेफाइट है ग्रेफाइट कांट बी क्लासिफाइड एज एन आयनिक सॉलिड. ओके, तो ग्रेफाइट को हम एज आयनिक सॉलिड नहीं कर सकते. ओके, सो इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है बिकॉज ग्रेफाइट मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फर्स्ट थिंग. ओके, ये सारी चीजें आपको पता हूँ. सो आर ऑप्शन विल बी दैट इज फोर्थ. हमें बताना था कि जो जिसमें क्लासिफाई नहीं कर सकते. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का. क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है Cations are present in the interstitial sites in Frankel defect, Schottky defect, vacancy defect and metal deficiency defect. तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ना तो द ओनली थिंग विच यू रिक्वायर इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरी. ओके, तो आपको इंटरस्टिशियल साइट्स के बारे में अच्छे से पता रहना चाहिए. तो आप जब भी अगर कैटायन एनर्जी किसी की भी प्रोफेशन बता दीजिए आप उसका डिफेक्ट बता सकते. ओके, तो चलिए बात करते. ओके, तो देखिए केमिस्ट्री टाइप से ना ऐसा भी मान लीजिए कि बहुत ही सिंपल है. कैसे, अगर आप किसी चीज का आंसर पता तो आप 100% आपको उसमें मार्क्स मिलेगा. ओके,
बट द थिंग इज दैट अगर आपको वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन का मिसमैनेजमेंट है ओके तब आपको वहां दिक्कत आ सकती है अंटिल एंड अनलेस आपका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना हो, क्योंकि आप जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा रहे थे कि ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, क्लास में से पढ़ाया गया था फॉर्मूला ओके, तो उससे आप आंसर बता सकते. बट द थिंग इज दैट अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो आपको दिक्कत चाहिए. तो आप थ्योरी पार्ट इसमें कभी भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप थ्योरी कंटेंट आप इतना स्ट्रॉन्ग रख लीजिए कि आप कभी दिक्कत ना. ओके तो देखिए इसमें बोल रहे हैं कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टीशियल साइट्स इन, तो इसका आंसर होता है फ्रैंकल डिफेक्ट. फर्स्ट फ्रैंकल डिफेक्ट, तो इसके पीछे का कुछ रीजन नहीं बता सकते आप ओके, ये आपको बेसिकली याद ही करना होगा. फ्रैंकल डिफेक्ट इज करेक्ट, क्यों? क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट जिसमें आपका एटम जो होता है वो डिसलोकेटेड हो जाता है उसके अपनी लेटेस्ट पोजिशन पे. ओके क्या बोला मैंने, इन दिस इफेक्ट, इन दिस इफेक्ट एन एटम इज डिसलोकेटेड. ठीक इस ये बस यही डिसलोकेटेड एटम की वजह से यहाँ पे हमें कैटायंस की प्रेजेंस पता चलती इन इंटरस्टीशियल साइट्स. ओके एटम इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स lattice position to an interstitial site. Okay. To an interstitial site. तो आप सभी को बता होगा what is the vacant site, interstitial site, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी. So the correct option will be triangle defect. Okay. Let's move on to the question number 18. तो देखिए इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए देखिए इसमें बहुत से आप क्वेश्चन मिलेंगे. अभी तो सिर्फ हमारा एमसीक्यू टाइप वन चल रहा है, एमसीक्यू टू टाइप टू में जो कि मल्टीपल आंसर्स रहेंगे उसमें आपको और थोड़ा फोकस करके आंसर देखना पड़ेगा. क्योंकि अगर आपने एक आंसर सही किया चलिए आपका मार्क्स तो सही हो गया, लेकिन अगर आपने दो मार्क्स से दो का करा तो चलिए दो मिल गया, लेकिन द थिंग इज दैट अगर उसमें मल्टीपल यानी कि तीन है और आपने दो में से तीन में से एक सही किया एक गलत कर दिया तो वहां आपको माइनस मार्किंग मिल जाएगा. ओके तो आपको तीनों क्वेश्चन या तो यानी कि जितने भी ऑप्शन है आपको सारे एकदम कंफर्म ही रहेंगे तो ही करिए जो आपको सिंगल सिंगल ही करना. ओके चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो रहा है, स्कॉटी डिफेक्ट इज ओके स्कॉटी डिफेक्ट इज सॉरी स्कॉटी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन क्रिस्टल बैंड. ओके तो अभी हमने बात करी दैट इज द फ्रैंकी डिफेक्ट. ओके तो अभी जो हम बात कर रहे थे दैट इज अबाउट फ्रैंकल डिफेक्ट की जिसमें आपका जो साइट होता है दैट इज द लेटेस्ट साइट वहां से आपका एक एटम डिसलोकेट होके इंटरस्टीशियल साइट पे चल जाता है. ओके जिससे वजह से आपके कैटायन के प्रेजेंस से आपको पता चल जाती है उस लेटेस्ट की. अब बात कर रहे हैं स्कॉटी डिफेक्ट क्रिस क्रिस्टल में ऑब्जर्व होता है. ओके तो चलिए देखते तो अगर आपको स्कॉटी डिफेक्ट देखना है तो उसमें पहला ऑप्शन दिया है सम कैटायंस मूव फ्रॉम देयर लेटेस्ट साइट टू इंटरस्टीशियल साइट. नहीं नहीं फर्स्ट ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि यही चीज तो हमारे फ्रैंकी डिफेक्ट में थी. सेकंड ऑप्शन इज दैट Equal number of cations and anions are missing from the lattice. हाँ तो देखिए जो भी स्कॉटी डिफेक्ट होता है ना स्कॉटी डिफेक्ट देखिए स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है बेसिकली पता है क्या इक्वल नंबर ऑफ cations एंड anions आर मिसिंग फ्रॉम लैटाइस. तो देखिए इसमें आप कुछ आप बता ही नहीं सकते कुछ आपके पास लॉजिक नहीं कह सकते. दिस इज द कहना चाहिए कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है आपको ये याद ही करनी पड़ेगी कि अगर फ्रैंकल डिफेक्ट है तो आपका एक यानी कि एक एटम लेटाइस पोजीशन से हटके आपके इंटरस्टीशियल साइड में चला जाएगा. वहीं अगर आप स्कॉटी डिफेक्ट के बारे में बात करें तो आपके इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन दोनों जो है वो लेटाइस से मिस हो जाएंगे ओके यानी कि लेटाइस से कहीं चला जाएंगे. ओके तो दिस इज ऑप्शन सो सिंगल है तो आप नीचे का स्किप भी कर सकते हैं. सम लैटाइस आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स नहीं सम इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द लैटाइस ये कोई बात नहीं. चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो देखिए मैं एक चीज बताऊंगा आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर से पहले. ओके तो देखिए जो हमारा क्लास 12 का एक चैप्टर होता है दैट इज सेमीकंडक्टर इन फिजिक्स. ओके तो उसमें पी टाइप ओके टाइप ये सारी टाइप के सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत ही ब्रीफिंग तरीके से आपको पूरा चैप्टर दिया हुआ है. ओके तो आप जब मान लीजिए आपको यहाँ का भी दिक्कत आ रही है तो आप ये तो बहुत ज्यादा बहुत ही इजीली क्लैरिफाई हो जाएगी. ओके बट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान देना होगा क्योंकि जो सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है ना दैट इज ऑफ फिजिक्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोथ जेई मीन्स एंड एज अ बोर्ड ऑल्सो. ओके
तो सेमी कंडक्टर के ऊपर बहुत ही डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। ओके, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, बट उसमें बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं। ओके, तो आपको ये सारी चीजों पे ध्यान देना। तो व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर किस टाइप का चार्ज एक्वायर करता है, ये बात करें। तो द फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिव। तो देखिए, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना, उसमें कुछ पॉजिटिव चार्जेस नहीं होता, फर्स्ट थिंग। सेकंड वन इज न्यूट्रल। हाँ, तो देखिए, जो न्यूट्रल चार्जेस होता है, दैट इज अक्वायर्ड बाय दैट पी टाइप सेमीकंडक्टर मेनली। ओके, तो अगर हम बात कर ले पी टाइप सेमीकंडक्टर की, जैसे मान लीजिए ये कुछ पी टाइप सेमीकंडक्टर है आपका। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है बताएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें बेसिकली होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड कैरियर्स, जिसे हम कहते हैं होल्स, ये सब आपने पढ़ा होगा। ओके, और ये बेसिकली जो पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स होते हैं ना, ये इनको एक वो रहती है, यानी कि कहना चाहिए एक एक्सेस रहती है। क्या एक्सेस रहती है, दे आर फ्री टू मूव। ओके, तो जो भी अगर हमारा होल्स हो गया, तो वो हमारे फ्रीली मूव कर सकते हैं आपके दैट इज सेमीकंडक्टर में। ओके, तो हम, बट द थिंग इज दैट हम इसे पॉजिटिव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो चार्जेस होते हैं ना, ये रियल चार्जेस नहीं होते, दे आर एज अ कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल, एज अ फिक्स्ड एक्सेप्टर एटम्स। ओके, सो दैट्स द थिंग। तो इसलिए हमारा जो, मैं यहाँ लिखा भी देता है, इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज न्यूट्रल। ओके, क्योंकि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस होल्स है ना, तो वहां पे एज अ एक्सेप्टर ओके एटम्स भी रहते हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज रहते हैं। ओके, जिसकी वजह से आपका जो होल पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो वो रहता है न्यूक्लियर, दैट इज अ न्यूट्रल। ओके, सो दैट्स द थिंग। सो ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 पे। ओके, तो बहुत से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, हम सारे क्वेश्चन करेंगे। इजी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल, जस्ट आपको आंसर पता है, आप टिक करिए और आगे बढ़िए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो रहा है, टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि सेमीकंडक्टर किससे बनते हैं, दैट इज द बेसिकली सिलिकॉन। इट शुड बी डोप्ड विद सब्सटेंस विद वैलेंस। ओके, तो देखिए, आपको पता होगा व्हाट इज डोपिंग। ओके, डोपिंग तो कुछ इम्प्यूरिटीज ओके हम ऐड करते हैं इन द सेमीकंडक्टर, जिससे आप उसकी पावर को एनहांस कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी को पता होगा व्हाट इज द डोपिंग। तो ये बोल रहा है, अगर हमारे पास जब भी एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर ले, सेमीकंडक्टर ओके, तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर की जब भी हमें डोपिंग करानी है, एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग, तो वैलेंसी नीडेड, कौन सी वैलेंसी नीडेड होती है, दैट इज द 5। ओके, तो 5 इज द करेक्ट वैलेंसी फॉर द सिलिकॉन डोपिंग विद। ओके, तो सिलिकॉन इज डोपिंग डोप्ड विद अ पेंटावेलेंट सब्सटेंस। जैसे कि अगर हम बात कर लूँ एग्जाम्पल के बारे में, तो हमारा फॉस्फोरस P5 हो गया, ओके, आर्सेनिक। ओके, तो ये जो होते हैं, इनमें 4 to 5 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फॉर्मेशन में यूज करते हैं विद द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, यानी कि जो भी सिलिकॉन एटम्स हैं उनकी फॉर्मेशन में मदद करते हैं, क्योंकि इनमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, सो दैट्स द थिंग। नाउ जस्ट ओके, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द फीस सेंटर यूनिट। ओके, देखिए अब आ गया अच्छे अच्छे क्वेश्चन, दैट इज FCC, BCC, HCP, CCP, ये सारे क्वेश्चन आएंगे FCC। तो आप सभी को पता होगा व्हाट इज FCP, दैट इज फीस सेंटर्ड यूनिट्स। तो जब भी हम फीस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें उसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में देखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए, जो फीस सेंटर्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं ना, सॉरी, जो फीस सेंटर्ड सेल होते हैं, उसमें आपके टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू 8। तो मैं भी पूरा सा FCC डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको FCC डायग्राम आता है और आप उससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर इन FCC, इट इज फीस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ यूनिट पर सेल होते हैं 4 एटम। ओके, तो देखिए क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट
सेल इज इक्वल टू 4, ओके। तो किसी भी एक यूनिट सेल में चार एटम्स होते, तो उसी की वजह से उन चार एटम्स की वजह से 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स फाउंड हो जाते, ओके ओके, दिस इज द रीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, Which of the following point defects are shown by AGB artist? Okay, तो अब हमें पूछ लिया, जैसे हमने अभी बात भी करी थी, एक क्वेश्चन था हमारा जिसमें आपसे पूछ लिया था कि फ्रैंकर डिफेक्ट में क्या होता है, स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है। अब आपने बस सिंपली एक एग्जाम्पल दे दिया किसी क्रिस्टल का, और वो उसमें बोल रहा है आपको कि इन इस एग्जाम्पल में दैट इज द AGBR, और ये एक सॉलिड क्रिस्टल है, क्रिस्टल। तो उसमें बोल रहा है हमें कि इस AGBR क्रिस्टल में आप बताइए कि कौन सा डिफेक्ट होगा, स्कॉटी डिफेक्ट होगा या फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। स्कॉटी डिफेक्ट आपको पता है क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम दैट क्रिस्टल। फ्रैंकल डिफेक्ट में वही क्या होता है कि जो आपका कोई भी एटम है, ओके, वो आपकी लैटिस पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल वॉइड में चला जाता है, ओके, सॉरी इंटरस्टिशियल साइड। फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, ये सब अभी आप ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। तो देखिए, अगर आप बात कर ले दैट इज AGBR क्रिस्टल के बारे में, तो देखिए AGBR जो क्रिस्टल होता है ना, उसमें आपको बोथ बोथ स्कॉटी एंड फ्रैंकी फ्रैंकल डिफेक्ट इज सीन, ओके। तो जो AGBR का क्रिस्टल होता है उसमें आपको वो देखेंगे कि बहुत से एटम अपनी पोजीशन को छुपके इंटरस्टिशियल साइट में जाना चाहते हैं, और उसमें आप ऐसा भी देख सकते हैं कि आपके जो कैटायंस एंड एनायंस इक्वल नंबर, यानी कि इक्वल नंबर में मूवमेंट शो करते हैं, ओके, और वो इंटरस्टिशियल बॉडी में चले जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके लैटिस से ही बाहर चल जाए, ओके। सो आर ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, दैट इज ए एंड बी, दिस वन एंड दिस वन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है इन विच पेयर मोस्ट इफिशियंट पैकिंग इज प्रेजेंट, ओके। तो आपने जब पढ़ा होगा कि FCC, BCCP एंड दैट इज HCP, CCP, तो बहुत से टाइप ऑफ सेल होते हैं, ओके। तो आपको पूछा कि इसमें पैकिंग सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज HCP, सेकंड वन इज BCP, फिर थर्ड वन क्या दिया हुआ हमारे पास, ओके, तो एक सिंपल क्यूबिक सेल दिया हुआ है। तो हम पहले यहाँ कैरी आउट कर लेते हैं दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल फर्स्ट वन, सेकंड वन भी विल बी HCP एंड थर्ड वन विल बी That is CCP. Okay, one more is there. That is BCP. Sorry, BCC. तो देखिए जो HCP और CCP होता है ना, उनमें सबसे ज्यादा पैकिंग होती है, क्योंकि उनमें आप जब पैकिंग इफिशियंसी देखेंगे ना, तो उसमें आपको मैक्सिमम दिखेगी. That is in HCP and CCP. It have a efficiency of 74%. जहां तक मुझे याद है, HCP and CCP have पैकिंग deficiency of about 74%, okay, जो कि एक मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है किसी भी यूनिट सेल के बारे में आप बात कर लेते हैं, ओके। सो आर ऑप्शन विल बी दैट इज फर्स्ट वन एंड ओके सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट वन विल इट हैज DCC बट वी आर हैविंग ओनली HCP एंड CCP, ओके। So, let's move on to question number 24. So, question number 24 क्या कह रहा है? The percentage of empty space in a body-centered cubic, that is BCC. So, BCC में हमें बताना है कि percentage of empty space. चलिए देख लेते हैं. तो ये चीज आपने पढ़ी होगी कि जब भी आप BCC यूनिट बनाते हैं, तो उसमें आपको जो empty space बचता है, जब आप मान लीजिए अगर आपके पास एक क्यूब है, ओके, ऐसा कुछ क्यूब बना लीजिए, अब आप इसमें कोई भी एक एटम इंसर्ट करा रहे हैं, और उसके चारों जो सॉरी जो 8 कॉर्नर्स है उस पर भी आप अगर बहुत से एटम्स इंसर्ट करा रहे हैं, उसके बाद में आपके पास जो वॉइड बच जाता है जो कि एम्प्टी स्पेस कहलाता है, ओके, तो उसकी हमें बताने की व्हाट इज द परसेंटेज। तो आप सभी को पता होगा कि जब भी हम ये सारी चीजें वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर नहीं आएगा, ऑलवेज इट कम्स इन परसेंटेज फॉर्म, ओके। सो द आंसर फॉर दिस वन इज 32%। तो 32% ऑफ स्पेस इज वैकेंट, ऐसा कह सकते हैं हम। तो ये क्या होता है पता है क्या, देखिए जो पैकिंग इफिशियंसी होती है ना, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ BCC वो कितनी होती है पता है आपको, दैट इज 68%। तो देखिए
जो भी पैकिंग इफिशियंसी होती है उसके अलावा जितना भी बचा हुआ स्पेस है वो हमारा वेकेंट स्पेस के या फिर कह सकते हैं एम्प्टी स्पेस के फॉर्म में देखा जा सकता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू 100 माइनस 68%, दिस इज इक्वल टू 32%। तो देखिए अगर आपको चाहे तो आप प्रॉपर डायग्राम बना के उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट द थिंग इज दैट मैंने बीसीसी एससीपी सीसीपी एंड दैट इज एफसीसी ये चार पांच अच्छे फॉर्म यूनिट्स आए तो उनकी मैंने वैल्यूज याद रखी, दैट इज सिंपली एफिशिएंसी। ओके, तो जब भी आप उनकी पैकिंग एफिशिएंसी ही याद कर लेंगे तो आपको बहुत से आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ओके, सो जस्ट 100 माइनस करना पड़ा मुझे 68 में से, सॉरी 68 माइनस करना पड़ा 100 में से, वी गेट द आंसर दैट इज 32। ओके, जस्ट इजी कैलकुलेशन मैथ्स। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, तो अब बात कर रहे हैं हमारे एचसीपी पैकिंग के बारे में, एचसीपी पैकिंग के बारे में, पैकिंग के रिलेटेड कौन सा आंसर गलत है ये बताते हैं। तो देखते हैं, तो पहला बड़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। ठीक है, तो आप सभी मैं मान के चल रहा हूँ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने पढ़ा होगा इन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में सारी चीजें पढ़ी होगी, व्हाट इज दैट सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड्स बॉन्ड्स, ये सारी चीज पढ़ी होगी। ओके, तो देखिए जो जब भी आप हेक्सागोनल पैकिंग करते हैं ना तो उसमें आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है, ये फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। फिर बात करते हैं हम सेकंड, दैट इज इट हैज 74% एफिशिएंसी। तो ये चीज हमने पहले ही देख ली थी, अभी जो रिसेंट दो तीन क्वेश्चन करे हमने तो उसमें आपको मैंने बताया था कि पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एचसीसीपी एंड सीसीपी इज 74% और वो बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है एज कम्पेयर टू अदर पैकिंग। ओके, सो सेकंड वन इज ऑल्सो ट्रू। फिर बात करते हैं थर्ड वन, दैट इज टेट्राहेड्रल बॉर्ड्स ऑफ सेकंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर, ये भी सही बात है। ओके, अब बात करते हैं, तो वो बोल रहा है इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर्स ऑफ द फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो देखिए अब ये बोल रहा है कि सेकेंड लेयर तक के तो ठीक थे, अब वो बोल रहा है फोर्थ लेयर के जो स्फीयर्स होते हैं वो टोटली अलाइंड होते हैं विद दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसकी जो अरेंजमेंट होती है ना उसमें जो फोर्थ लेयर जो होते हैं वो एग्जैक्टली अलाइंड होते फर्स्ट लेयर के साथ, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है फर्स्ट थिंग। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है ना वो एक टाइप का स्ट्रक्चर कैसा होता है पता है क्या, हेक्सागोनल पैकिंग हैव ए बी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टाइप ऑफ अरेंजमेंट सॉरी। तो देखिए अगर मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ। तो देखिए ये फर्स्ट लेयर अगर ए है फोर्थ लेयर बी है तो ये टोटली एग्जैक्टली सेम कैसे है फोर्थ लेयर के, तो इसलिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, दैट इज द नॉट ट्रू अबाउट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, तो ए बी टाइप होता है, तो ये किस टाइप की पैकिंग होती है ये भी आपको चेक करना है। तो अलॉन्ग विद एफिशिएंसी यू शुड ऑल्सो रिमेंबर वॉट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज देयर इन दैट सेल। ओके, इजी, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इन पैक स्ट्रक्चर विल बी सेम। ओके, तो ये बोल रहा है कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैटायन एंड एनायन किस पैक स्ट्रक्चर में सेम होगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया क्लोरीन नेगेटिव आयन फ्रॉम एफसीसी पिलेटाइज एंड एन ए प्लस आयन ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ यूनिट सेल। तो ये ऐसा बोल रहा है, तो देखिए जो क्लोरीन पहले ऑप्शन को देख रहे हैं दैट इज क्लोरीन नेगेटिव आयन जो होता है आयन वो हमारा एफसीसी लेटाइस फॉर्म करता है, ये बात सही है, फॉर्म्स एफसीसी लेटाइस। और जो हमारा एन ए प्लस आयन है ये हम एनएसीएल क्रिस्टल के बारे में बात करें तो एनएसीएल आयन जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये बात भी सही है। ओके, ऑफ यूनिट सेल, क्यों, क्योंकि जब भी हम ये चीज हमारे पास दी हुई थी, लेकिन अगर जब हम इनिशियल के बारे में बात करें तो जो क्लोराइड आयन होता है ना और जो सोडियम आयन होते हैं वो अपने पूरे जो कुछ भी दिया हुआ है दैट इज क्लोरीन नेगेटिव आपका एफसीसी लेटाइस फॉर्म करेगा एन ए प्लस आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर करेगा, ये बात सही है। और इन्हीं दोनों की वजह से आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ कैटायन एंड एनायन आता है वो आपका वो भी सेम आता है। ओके, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बोथ कैटायन, कैटायन क्या हो गया हमारा एन ए प्लस
एंड एन आयन क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज सी एल माइनस, और उस कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू भी आती है इक्वल टू 6, ओके, जिस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। अब देखिए मैं आपके लिए तीन ऑप्शन छोड़ रहा हूँ चेक, अभी हम आगे और बढ़ते हैं, हम बहुत से क्वेश्चन कर लें, ओके। तो मैं ओनली जैसे हमें पहला ऑप्शन देखे हमने वही सही मिल गया, तो हम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं कि वो तीन ऑप्शन किस वजह से गलत है, ओके। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन टू डायमेंशन, ओके। तो हमें बोल रहा है कि टू डायमेंशन में बताइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है हमें स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का, ओके। तो हमारे पास कोई भी एक क्रिस्टल होगा जिसका स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप 2D स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, 2D स्ट्रक्चर के बारे में बात, दैट इज और ये क्या दिया हुआ स्क्वायर क्लोज पैक्ड है ना, स्क्वायर क्लोज पैक, मैं ऐसे फॉर्म में लिख रहा हूँ 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है क्या, जो कि each sphere is in contact with four of its neighbor, each sphere is in contact with four of its neighbor, okay। तो उसके नेबर में जितने भी चार स्पीयर्स होंगे उनके कॉन्टेक्ट में रहेगा, दैट इज द सेंटर स्ट्रक्चर, ओके। तो इस वजह से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप मैं अभी मत पूछना कि कैसे है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ बेसिक थिंग फॉर रिमेम्बरिंग और कैलकुलेटिंग दिस दिस एफसीसी बीसीसी एंड एचसीपी और टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, ओके। उनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, आपको इंटरस्टिशियल वॉइड के बारे में बात करनी है, एम्प्टी स्पेस निकालनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी जो भी डायमेंशन है वो सब चेक करना है, तो आप इससे चेक कर सकते हैं, ओके। तो हम ट्राई करेंगे कि ये पेज के और क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले, तो चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर। तो मुझे पता है कि आप बहुत थक गए होंगे, बट लेट्स कंप्लीट दिस पेज। विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग, ओके। तो ये इसके बारे में हमने बहुत बात करी है, तो देखिए जो ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों डिफेक्ट इज रिलेटेड टू द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑल थिंग। अगर आप डोपिंग के बारे में बात करें तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स आएगा, तो इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, तो डोपिंग में आपका इलेक्ट्रॉनिक दैट इज सेमी कंडक्टर वाला सामान रहता है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स आएगा वहाँ पे आप ये स्कॉटी डिफेक्ट, डिसलोकेशन, फ्रैंकल डिफेक्ट इसके बारे में बात नहीं कर सकते, तो इट इज वेल एंड क्लियर आई थिंक, नथिंग कांट बी से अबाउट दैट, ओके। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी फॉर्म्स, ओके। तो चलिए बात करते हैं, अगर हम सिलिकॉन डोपिंग कर रहे हैं विद इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो उसमें आप कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा, ओके। क्या हुआ बेसिकली, सिलिकॉन है हमारे पास, उसमें आपने डोपिंग करी, डोपिंग, और डोपिंग में आपने क्या यूज करा, डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशियस, ओके। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशियस के साथ में आपने डोपिंग करी तो आपको किस टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा, बेसिकली ये बात है। तो ये होता है हमारा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो कह सकते हैं आप डोपिंग के लिए क्या यूज कर सकते हैं, यूज फॉस्फोरस बेसिकली या फिर एर्सनिक, ओके, दैट इज द वैलेंसी ऑफ 5 पेंटावेलेंट, ओके। क्योंकि इसमें आपका नेगेटिवली चार्ज बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ओके। तो उसमें एन टाइप में आपका नेगेटिव, इट इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव सेमीकंडक्टर ऑल्सो, ठीक है ना। चलिए तो आई थिंक आज के लिए बहुत क्वेश्चंस कर लिए हमने, ओके। देयर आर मेनी लॉट ऑफ मोर क्वेश्चंस, ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके।